गुड मॉर्निंग बच्चों, आज के वीडियो में हम कैलकुलेशन ऑफ गुडविल में फोर्थ मेथड देखेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है, फोर्थ मेथड देखेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड देखेंगे। इसको क्वेश्चन की हेल्प से समझाऊंगी, बहुत इजी है, बहुत आसानी समझ में आ जाएगी, बिल्कुल एवरेज प्रॉफिट मेथड जैसा ही है लगभग। तो देखिए, गुडविल का कैलकुलेशन करना है, कंप्यूट द गुडविल ऑफ द फर्म फ्रॉम वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर 2 ईयर्स, ठीक है। गुडविल का कैलकुलेशन करना है कौन सी मेथड से, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से, और परचेजिंग ईयर 2 दिया है और हमको 4 ईयर्स के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट 10,000 है, सेकंड ईयर का 8,000, थर्ड ईयर का 9,000 और फोर्थ ईयर का 11,000 है। वेट्स दिया है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है ना, तो वेट्स दिया हुआ है कि क्या दिया, 3, 4, 1 एंड 2, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हमको वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करना है तो हमारा फॉर्मूला रहता है गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। क्या रहता है फार्मूला गुडविल का, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, ये हमारा फार्मूला रहता है। तो सबसे पहले तो हम ये दोनों जो दिया है, ईयर्स, ईयर दिया और प्रॉफिट, ये तो पूरा एज यूजुअल पूरा का पूरा हम लिख लेंगे। फिर हम वेट उठा के लिख देंगे, 3, 4, 1, 2 दिया, ये लिख दिया हमने, और इनको प्लस कर देंगे। फिर उसके बाद क्या, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई कर दिया, प्रॉफिट और वेट का दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 10,000 × 3 30,000, 8,000 × 4 32,000, 9,000 × 1 9,000, 11,000 × 2 22,000, और इसका टोटल किया तो कितना है, 93,000, क्लियर, ठीक है। ये दोनों उठा के हमने लिखा, फिर वेट लिखा और फिर इन दोनों का प्रॉफिट और वेट का मल्टीप्लाई कर दिया तो प्रोडक्ट आ गया, और इन दोनों का टोटल लगा लिया। अब हमको नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर तो दिया है, हमको वेट एवरेज प्रॉफिट नहीं दिया है, तो हम ये निकालेंगे। वेट एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला रहता है प्रोडक्ट डिवाइड बाय सम ऑफ वेट, ठीक है, प्रोडक्ट डिवाइड बाय सम ऑफ वेट्स। तो प्रोडक्ट कितना है, 93,000, सम ऑफ वेट्स कितना है, 10, इसको डिवाइड कर दिया तो हमारा कितना आ गया, 9,300, डिवाइड किया 9,300 हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया। फिर गुडविल का फॉर्मूला हमारा क्या रहता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमारा 9,300 आया था, हमने लिख लिया, और नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर हमारे क्वेश्चन में दिया है कितना, नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर 2 दिया, ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गई हमारी गुडविल 18,600, क्लियर। नेक्स्ट, ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का ही, इसी मेथड का क्वेश्चन है, लेकिन उस कंडीशन में कैसे कैलकुलेट करेंगे गुडविल वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से, अगर हमें वेट गिवन ना हो, ठीक है। ये जो वेट दिया था ना इस क्वेश्चन में, ये वेट दिया था ना हमको, ये गिवन ना हो तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसी मेथड से। तो देखिए कैसे, एक क्वेश्चन दिया, कंप्यूट गुडविल कैलकुलेट करना है हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से, नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर कितना दिया, 3 दिया है, 3 ईयर्स का प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट जो दिया है फर्स्ट ईयर का 10,000, और उसमें एबनॉर्मल लॉस है, आपको मालूम है एबनॉर्मल लॉस क्या होगा, ये इसके बारे में थ्योरेटिकल पार्ट एवरेज प्रॉफिट मेथड में मैं समझा चुकी हूँ, एबनॉर्मल लॉस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, और एबनॉर्मल इनकम क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो इसमें से जब 10,000 में से एबनॉर्मल लॉस क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, 12,000 आ जाएगा, 12,000 में से एबनॉर्मल इनकम क्या करते हैं, माइनस कर देंगे, तो 11,000 आ जाएगा, और इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ, कुछ दिया ही नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों तो हम लिख दिया, फर्स्ट ईयर का 3 साल का दिया हुआ है प्रॉफिट, तो हम 3 साल लिख दिया, और ये अभी आपको बता चुकी हूँ मैं कि 10,000 प्रॉफिट में एबनॉर्मल लॉस दिया इसलिए ऐड कर दिया, और एबनॉर्मल इनकम है वो हमने क्या कर दी, माइनस कर दी, तो 11,000 आ गई, और ये 8,000, और ये मैं बता चुकी क्यों माइनस हुआ क्यों प्लस हुआ, ये थ्योरेटिकल पार्ट में मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ एवरेज प्रॉफिट मेथड में, चाहे तो आप फिर से एवरेज प्रॉफिट मेथड को आप देख सकते हैं, वीडियो प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, उसमें पूरा थ्योरेटिकल पार्ट समझाया है क्यों प्लस किया और क्यों माइनस किया। हाँ, फिर उसके बाद वेट नहीं दिया है, जब हमें क्वेश्चन में वेट ना गिवन हो, इस क्वेश्चन में वेट गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 1, 2, 3 लेंगे,
मतलब सीक्वेंस मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे सीक्वेंस मिलेंगे। ध्यान रखिए जब वेट गिवन ना हो तो हम सीक्वेंस मिलेंगे, क्यों? क्योंकि हम जब बिज़नेस खोलते हैं तो हमारी गुडविल कम रहती है, रेपुटेशन, और धीरे धीरे हम धीरे धीरे क्या होता है कि हम अपना काम करते जाते तो हमारी गुडविल धीरे धीरे बढ़ती जाती है, ठीक है, समझ में आया? इसलिए हर साल हमने मान लिया कि हमारी गुडविल क्या हो रही है, पहले कंपैरिजन में डबल हो, मतलब 1 के हिसाब से बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो 1 2 3 इस टाइप से सीक्वेंस मिलेंगे जब भी गिवन ना हो, ये ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद हमें प्रॉफिट है, वेट है, मल्टीप्लाई कर दो, प्रोडक्ट आ जाएगा 12,000 × 1 12,000 आ गया, 11,000 × 2 22,000 आ गया, 8,000 × 3 24,000 आ गया, ठीक है। इन सबको ऐड कर दिया, सम ऑफ वेट कर दिया, फिर इन दोनों को ऐड कर दिया, 58,000 आ गया। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? प्रोडक्ट डिवाइड बाय सम ऑफ वेट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन सम ऑफ वेट्स, ठीक है। प्रोडक्ट कितना है? 58,000 डिवाइड बाय सम ऑफ वेट 6 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया, और फिर अप्रोक्सीमेटली हमारा आंसर वैसे तो कितना है, ये जो पॉइंट में आएगा, लेकिन हम इसको वो कर लेंगे, राउंड ऑफ कर लेंगे, तो 29,000 आ जाएगा। क्लियर? थैंक यू।